नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का स्ट्रीट जीरो चैनल पर स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऑसम लेक्चर हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज में। दोस्तों इसको मैं हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज क्यों बोलता हूँ आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो मैं टॉपिक्स डिसाइड कर रहा हूँ वो पुराने पेपर्स के एनालिसिस के बाद में डिसाइड कर रहा हूँ, तो ये जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते रहते हैं और ये वाले ऐसे टॉपिक्स हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट या एस्पायरेंट से स्किप हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं ये टॉपिक्स को कवर करके आपको मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे रिसेंट जो चैंपियनशिप्स हुई हैं, जैसे कि फीफा हुआ है या फिर हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है ना, तो वो सारी चैंपियनशिप्स या ट्रॉफीज के बारे में बात करेंगे। उसको किस टीम ने जीता है, किस कंट्री ने जीता है, किस प्लेयर ने जीता है, जैसे है ना बैडमिंटन वगैरह के होते हैं, टेनिस स्पोर्ट के होते रहते हैं, तो इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों ये जो लेक्चर है ये सीरीज का 10th लेक्चर है और इसके ऊपर ये पहला पार्ट बना रहा हूं मैं रिसेंट चैंपियनशिप एंड ट्रॉफीज के ऊपर। चलिए हैविंग सेड दैट अब शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों ये जो लेक्चर है ये हमारे एमपीपीएससी एस्पायरेंट की प्रिपरेशन नीड को ध्यान में रखकर किया है, मैंने ये लेक्चर बनाया है और ये एमपीपीएससी के एस्पायरेंट को प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में मदद करेगा। उसके अलावा कोई ऐसा व्यूअर है जो एमपी गवर्नमेंट या फिर किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो भी इन लेक्चर को देख के फायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप देख रहे हो एमपीपीएससी जीएस का सिलेबस, जो प्रीलिम्स में जीएस का पेपर होता है ये उसका सिलेबस है। ऑलरेडी आप लोग इससे अवगत होंगे, जिनको नहीं पता दे जस्ट गो थ्रू इट। ओके एक मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लो और इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो कि आपको क्या क्या पढ़ने की जरूरत है। दोस्तों आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं, थैंक यू कहना चाहता हूं उन सभी व्यूअर्स एस्पायरेंट को जिन्होंने इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया और जिनकी वजह से ये स्ट्रीट जीरो चैनल या उसका वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूं एज अ पीस ऑफ एडवाइस, अगर आप सक्सेसफुली प्रीलिम्स को क्लियर करना चाहते हैं तो आप प्लीज और प्लीज मॉक टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस, चाहे जो मैं मॉक टेस्ट पेपर मैं प्रोवाइड कर रहा हूं या फिर और कोई भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन मॉक टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करते रहिए। प्लस आप रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। आप में से काफी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर इज इट सफिशिएंट जो आप एमपी का पोर्शन कवर करवाया, क्या वो सफिशिएंट है? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं इट इज मोर देन सफिशिएंट, हर चीज को सिस्टमैटिकली कवर किया है, सो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी को ये डाउट है अभी भी कि प्राइवेट वीडियोस कैसे देखने हैं, देखिए कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ मैं देता हूं आपको, ईमेल आईडी मैंने दे रखी है, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा। अगर किसी भी एस्पायरेंट के संग कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है तो आप मुझे बता दीजिए, I may help them, okay? Yeah, having said that, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहला जो हमारी ट्रॉफीज में हम देखेंगे वो फुटबॉल स्पोर्ट्स एसोसिएटेड है, दैट इज फीफा वर्ल्ड कप। आपको पता होगा 2018 में फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था। ये जो फीफा ये फुटबॉल का ये जो वर्ल्ड कप कंडक्ट करवाते हैं उस एसोसिएशन का नाम है फीफा, ठीक है। तो ये स्पोर्ट जो फुटबॉल स्पोर्ट है उसकी ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है। फीफा का वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार होता है और 1930 में पहली बार हुआ था। अभी तक 21 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हो चुके हैं, ठीक है। अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा बार कौन सी टीम जीती है, ब्राजील की टीम जीती है, सबसे ज्यादा बार ब्राजील की टीम जीती है और यही एक ऐसी इकलौती टीम है जिसने हर वर्ल्ड कप खेला है, जो फुटबॉल के वर्ल्ड कप होते हैं उसे सारे वर्ल्ड कप खेले हैं। जर्मनी और इटली ने इसके फीफा वर्ल्ड कप के 4-4 बार जीत चुके हैं, जर्मनी और इटली, ठीक है। तो बस इतना याद रखना सबसे ज्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता है, दैट इज ब्राजील। सारे फीफा के मैचेस वर्ल्ड कप मैचेस किसने खेले हैं, ब्राजील ने खेले हैं। दूसरे और तीसरे नंबर पर जर्मनी और इटली है जिन्होंने 4-4 बार ये वर्ल्ड कप जीता है। इस बार का 2018 का फीफा वर्ल्ड कप जीता गया था फ्रांस टीम के द्वारा। फ्रांस ने क्रोशिया को हराया था 4-2 से, मतलब फ्रांस ने 4 गोल मारे थे और क्रोशिया ने 2 गोल मारे थे। और ये मैच कहां पे हुआ था, 2018 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था रशिया में, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है 2018 का फीफा वर्ल्ड कप वॉज कंडक्टेड एट विच प्लेस या इन विच कंट्री, तो आंसर है रशिया। आगे इसी में और भी कुछ चीजें, फीफा वर्ल्ड कप में बहुत सारे प्राइजेस मिलते हैं तो वो सुन लीजिए। पहले नंबर पर टीम रही थी फ्रांस, दूसरा जो विनर था वो था क्रोशिया, सेकंड नंबर पे, तीसरे नंबर पे बेल्जियम और चौथे पे इंग्लैंड, ठीक है। ये तो एक याद रखना 2018 में ये 4 टीमों के नंबर्स हैं। इस बार फीफा में गोल्डन बॉल अवार्ड मिला था लुका मॉड्रिक को। किसको मिला था गोल्डन बॉल अवार्ड, लुका मॉड्रिक जो कि क्रोशिया टीम से खेलते हैं। गोल्डन बूट अवार्ड मिला था हैरी केन को जो कि इंग्लैंड के कैप्टन है और जिन्होंने 6 गोल मारे थे अक्रॉस 6 गेम्स, ठीक है, हैरी केन। गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला था तिबॉट कोर्टोइस जो कि बेल्जियम के हैं। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड मिला था 19 साल के काइलियन बापे, ठीक है।
किलियन किलियन बापे, एम साइलेंट होगा मेरे ख्याल से, तो ये है बापे, ठीक है। तो किलियन बापे फीफा फेयर प्ले अवार्ड मिला था स्पेन के किसी बंदे को, मतलब सॉरी फेयर प्ले अवार्ड मिला था स्पेन की टीम को फॉर इट्स सुपर्ब डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड। नेक्स्ट वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो ये 2022 में होगा फीफा वर्ल्ड कप, और ये कतार में होगा, ठीक है। और ये जो कतार है वो अब पहली अरब कंट्री होगी जो कि वर्ल्ड कप को होस्ट करेगी, और पहली बार ये मिडिल ईस्ट रीजन में भी होगा, तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2012 का वर्ल्ड कप कतार में होगा। तो यहां पे आपने क्या क्या सीखा, सबसे पहले नंबर पे रही टीम का नाम है फ्रांस, गोल्डन बॉल अवार्ड मिला लुका मॉड्रिक को, गोल्डन बूट अवार्ड मिला हैरी केन को, गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला तिब्यूत कोर्टिस को, उसके बाद यंग प्लेयर थे किलियन बापे, किलियन बापे फ्रांस के प्लेयर हैं ये, और फेयर प्ले अवार्ड फीफा में स्पेन को मिला है। सो दिस इज वॉट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम दिस पोर्शन। आगे चलते हैं, कुछ और फुटबॉल से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन ने अंडर 15 वर्ल्ड वुमेन चैंपियनशिप करवाई थी, जिसमें थिम्पू भूटान में ये चैंपियनशिप हुई थी, ठीक है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा करवाया गया अंडर 15 वुमेन्स चैंपियनशिप करवाई गई थी जो कि भूटान में हुई थी, और इसमें इंडिया ने बांग्लादेश को हराया था। उसके अलावा जो मैड्रिड और पोर्चुगल के सुपरस्टार मतलब सुपरस्टार फुटबॉल प्लेयर हैं क्रिस्टिनो रोनाल्डो, उनको 2017 के लिए बैलन डी गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है फॉर वर्ल्ड प्लेयर, ठीक है। तो याद रखना क्रिस्टिनो रोनाल्डो को मिला है कौन सा, बैलन डियोर का अवार्ड मिला है, जिसको गोल्डन बॉल के अवार्ड के नाम से भी जानते हैं 2017 में। फीफा बैलन डियोर जो अवार्ड होता है, इट इज एन एनुअल फुटबॉल एसोसिएशन अवार्ड बाय दी फीफा टू दी मेल प्लेयर हु हैज परफॉर्म्ड बेस्ट, ठीक है। तो ये इसलिए दिया जाता है। अगर हम फीफा रैंकिंग की बात करें तो उसमें हमारे इंडिया की रैंकिंग है 96 एज पर जुलाई 2017। जर्मनी जो है, जर्मनी ने जीता था 2017 का कॉन्फेडरेशन कप फुटबॉल, ठीक है। तो कॉन्फेडरेशन कप फुटबॉल जो है हुआ था उसको जर्मनी ने जीता था। तो इस वाले पेज से आप क्या क्या याद रखोगे, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो अंडर 15 वुमेन चैंपियनशिप हुई थी वो कहां पे हुई थी, भूटान में, और ये इसमें इंडिया ने बांग्लादेश को हराया था। क्रिस्टिनो रोनाल्डो को बैलन डियोर अवार्ड मिला है, जिसको गोल्डन बॉल अवार्ड भी बोलते हैं 2017 के लिए। और ये जो फीफा का बैलन डियोर अवार्ड होता है ये एनुअल फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा अवार्ड दिया जाता है बेस्ट मेल प्लेयर को। इंडिया की रैंकिंग फीफा में 96 है। आगे चलते हैं, फेडरेशन कप फुटबॉल का ये फेडरेशन कप होता है, ये इंडिया का पहला मेजर फुटबॉल कंपटीशन है जिसमें अलग अलग क्लब पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 1977 में स्टेब्लिश की गई थी, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 1977 में स्टेब्लिश की गई थी, और फेडरेशन कप इसी फेडरेशन के द्वारा करवाया जाता है जो कि इंडिया का पहला मेजर फुटबॉल कॉम्पिटिशन है। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें इस जो ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है वो एक कॉन्फेडरेशन भी है एएफसी की, ठीक है। उसके अलावा इसके अंतर्गत 10 टीम आती हैं और लेवल ऑन पिरामिड, ठीक है, ये सारी चीजें याद रख लेना। ये जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है ये सुपर कप करवाती है, एएफसी कप करवाती है। अगर हम बात करें जो फेडरेशन कप का करंट चैंपियन है वो उसका नाम है, उस टीम का नाम है चेन्नईयन, ठीक है, चेन्नईयन करंट चैंपियन, मोस्ट चैंपियनशिप अभी करंट चैंपियनशिप भी यही जीते हैं, ठीक है, करंट चैंपियनशिप भी यही जीते हैं, और सबसे ज्यादा बार एटी के चेन्नईयन ही जीती है, तो इसको याद रख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं फुटबॉल से जुड़ी हुई एक और ट्रॉफी के बारे में, संतोष ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी, अगर पेपर में ये आता है संतोष ट्रॉफी किस गेम से एसोसिएटेड है, तो याद रखना संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से एसोसिएटेड है। और 2018 में जब ये संतोष ट्रॉफी कप का मैच हुआ था तो इसमें केरला विजय रही थी, केला जीती थी, ठीक है, तो केला इसमें जीती थी। केला और वेस्ट बंगाल के बीच में फाइनल मैच हुआ था जिसमें पहले टाई हो गया था, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में केला जीत गई थी 4-2 की पेनल्टी के साथ, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है संतोष ट्रॉफी का मैच कहां पे हुआ था 2018 में, तो याद रखना ये हुआ था कोलकाता वेस्ट बंगाल में। क्लियर है, संतोष ट्रॉफी हो गई। फेडरेशन कप में हमने याद कर लिया कि कौन सी टीम जीती है फेडरेशन कप, चेन्नईयन, चेन्नईयन एटी के चेन्नईयन फेडरेशन कप जीती है। आगे चलते हैं, आईपीएल की बात करते हैं। आईपीएल क्या है, एक क्रिकेट से जुड़ा हुआ स्पोर्ट इवेंट है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। तो इसको कंडक्ट कौन करवाता है, बीसीसीआई कंडक्ट करवाता है, 2020 का इसका फॉर्मेट होता है। और अगर हम बात करें करंट का चैंपियन कौन है, 2018 का कौन चैंपियन रहा था, तो वो है चेन्नई सुपर किंग्स। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन सी टीम है, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, जो तीन तीन बार ये टाइटल जीत चुके हैं। सबसे पहला आईपीएल का मैच हुआ था 2008 में, ठीक है, और उसके बाद अभी। तो बस आप इसमें यही याद रखें, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम कौन सी है, मुंबई इंडियंस।
सॉरी, आगे चलते हैं। अब अगला जो स्पोर्ट है वो है, मतलब अगली जो ट्रॉफी है दैट इज विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी भी आपकी क्रिकेट से एसोसिएटेड है। कौन सी है? विजय हजारे, पेपर में आ सकता है। विजय हजारे ट्रॉफी किस किस गेम से एसोसिएटेड है? तो याद रखना, विजय हजारे आपकी क्रिकेट से एसोसिएटेड है। और 2018 में जब इसका इवेंट हुआ था, अगेन विजय हजारे को कंडक्ट कौन करवाता है? बीसीसीआई करवाता है। और ये एक तरीके से लिस्ट ए क्रिकेट में आती है, मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट में ही आती है। इसकी अगर हम लोग बात करें चैंपियन की, तो कर्नाटका इसके करंट चैंपियन है। कर्नाटका टीम जो है वो इसकी करंट चैंपियन है। क्रिकेट से एसोसिएटेड है विजय हजारे। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से एसोसिएटेड है। फेडरेशन कप फुटबॉल से एसोसिएटेड है। इस तरीके से याद करते जाओ। उसके अलावा अभी क्या हुआ था, 2018 में 40 ओवर का ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था। मतलब जो अंधे लोग होते हैं ना, उनके लिए वर्ल्ड कप मैच हुआ था 40 ओवर वाला। ठीक है, तो पहली बात तो ये पूछी जा सकती है कि ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो कितने ओवर का हुआ था? 40 ओवर का हुआ था। ठीक है, इसको वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने कंडक्ट करवाया था। 40 ओवर का फॉर्मेट था, ग्रुप और नॉकआउट टाइप का इवेंट था। होस्ट किसने किया था इसको? पाकिस्तान और यूएई ने। तो अगर कोई ये पूछता है ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पे कंडक्ट हुआ था, तो याद रखना यूएई प्लस पाकिस्तान, इन दो कंट्रीज ने मिलके होस्ट किया था ये वर्ल्ड कप। इसकी करंट चैंपियन इंडिया है। इंडिया इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। ठीक है, तो इसकी करंट चैंपियन कौन है? इंडिया। मतलब 2018 में ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप को किस टीम ने जीता है? इंडिया ने जीता। याद हो गया, आगे चलते हैं। क्रिकेट से, अगर हम क्रिकेट से ही एसोसिएटेड कुछ बातें करें, तो आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसकी जो वनडे रैंकिंग आती है उसमें इंडिया की रैंकिंग है सेकंड। पहले नंबर पे है इंग्लैंड। उसके अलावा अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो करंट चैंपियन है वो इंडिया ही है। याद रखना, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो चैंपियन है वो इंडिया है। और ठीक है, कितनी टीम ने पार्टिसिपेट किया था ये तो आपको पता ही होगा। 50 ओवर का फॉर्मेट होता है अंडर 19, तो अंडर 19 का जो अभी करंट विनर है वो कौन है? इंडिया है। तो ये क्रिकेट से रिलेटेड दो और बातें। उसके अलावा क्रिकेट से एसोसिएटेड एक और ट्रॉफी का नाम आता है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। क्या है नाम? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो अभी देखा था विजय हजारे ट्रॉफी, वो भी क्रिकेट से एसोसिएटेड था। आईपीएल, वो भी क्रिकेट से एसोसिएटेड था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ये, इसका लेटेस्ट एडिशन 2016-17 में हुआ था। और करंट चैंपियन है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली है इसका करंट चैंपियन। इसको बीसीसीआई कंडक्ट करवाते हैं, बीसीसीआई इसको कंडक्ट करवाते हैं। विजय, इसका नाम क्या है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ठीक है, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम है बड़ौदा और गुजरात की। तो ये हो गया आपका कौन सा? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से एसोसिएटेड है, करंट चैंपियन दिल्ली है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं टेनिस के बारे में। ठीक है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम इवेंट्स होते हैं, मतलब ये सबसे बड़े इवेंट होते हैं टेनिस के। मतलब ये सबसे बड़ी चैंपियनशिप होती हैं। ये चार चैंपियनशिप होती हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बल्डन और यूएस ओपन। ठीक है, विम्बल्डन और उसके अलावा यूएस ओपन। इसमें देखो कैसे मैचेस होते हैं, एक होगा मेंस सिंगल्स का, फिर वुमेन्स सिंगल का, फिर होता है मेंस डबल का, फिर वुमेन्स डबल का, और एक होता है मिक्स्ड, मतलब एक लड़का और एक लड़की होता है। तो हर एक ट्रॉफी में, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन है तो उसमें ये पांच इवेंट होंगे, फ्रेंच ओपन है तो उसमें ये पांच इवेंट होंगे, विम्बल्डन है तो उसमें ये पांच इवेंट होंगे। तो इस तरीके से अब ये हर एक साल में ये चारों ही इवेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बल्डन और यूएस ओपन। अब अगर हम बात करें इनके मेन सिंगल्स के कौन विनर रहे हैं 2018 में, ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है रोजर रॉजर फेडरर ने, फ्रेंच ओपन को जीता है राफेल नडाल ने, विम्बल्डन को जीता है नोवाक जोकोविक ने, उसके अलावा यूएस ओपन को भी जीता है नोवाक जोकोविक ने। ठीक है, तो ये चारों नाम तो बहुत अच्छे से याद रखना, मेन सिंगल वाले। मेन सिंगल और वुमेन सिंगल के ऊपर क्वेश्चन जरूर आ सकता है, और इन्हीं को ही याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन रोजर फेडरर, फ्रेंच ओपन राफेल नडाल, विम्बल्डन नोवाक जोकोविक, यूएस ओपन नोवाक जोकोविक। ठीक है, मेन सिंगल के हो गए याद। अब आगे चलते हैं वुमेन सिंगल की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है कैरोलीन वॉज नाइकी ने, वूज नाइकी। ठीक है, कैरोलीन वूज नाइकी। उसके अलावा फ्रेंच ओपन को जीता है सिमोना हेलप ने, सिमोना हेलप ने, विम्बल्डन को जीता है एंजेलिक एंजेलिक कैरबर ने, और यूएस ओपन को जीता है नाओमी ओसाका ने, नाओमी ओसाका। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है कैरोलीन ने, फ्रेंच ओपन जीता है सिमोना ने, विम्बल्डन जीता है एंजेलिक कर्बर ने, उसके अलावा यूएस ओपन जीता है नाओमी ओसाका ने। ठीक है, ये समझ लो कि यूएस में जापान जीत गया जाके, नाओमी ओसाका नाम से शायद याद हो जाए। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन कैरोलीन, उसके बाद फ्रेंच ओपन सिमोना, और विम्बल्डन को जीता है एंजेलिक कर्बर ने।
आगे चलते हैं। अब आती है मेंस डबल और वुमेन्स डबल की बात। इसके ऊपर क्वेश्चन आने की बहुत ही कम चांसेस हैं, पर फिर भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा सेफ साइड लेते हुए इसको एक बार याद कर लेते हैं या देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है ओलिवर मार्च मार्च या फिर मैटे पेरे पेविक ने। फ्रेंच ओपन जीता है पेरे हेक्स हेरबर्ट और निकोलस माहूट ने। विंबलडन को जीता है माइक ब्रायन और जैक शॉक ने। यूएस ओपन को भी जीता है माइक ब्रायन और जैक शॉक ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में अगर वुमेन्स डबल की बात की जाए तो टेमी बेबोस एंड क्रिस्टीना मेल्डेनोविक। फ्रेंच ओपन को जीता है बारबोरा क्रेजिकोव और कैटरीना साइनीकोव। विंबलडन को भी सेम उन्हीं दोनों कन्याओं ने जीता है। उसके अलावा यूएस ओपन को जीता है एशली बार्टी और कोको वेंडवे। ठीक है, तो ये आपके इवेंट्स, इनके ऊपर क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत कम है, तो इसलिए आप इनको याद कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं मिक्स्ड डबल्स की, जिसमें एक लड़का और एक लड़की होता है। अगेन यहां पे अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है गैब्रिलिया डेब्रोस्की और मेट पेविक ने। फ्रेंच ओपन को जीता है लतीशा चैन और इवान डोडिक ने। विंबलडन को जीता है अलेक्जेंडर पियाने और निकोल मेलिकर। उसके अलावा यूएस ओपन को जीता है बेथनी मैटेक सेंस एंड जेमी मूरे। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। रोहन बोपन्ना जो है इन ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल्स इन फाइनलिस्ट विद टीम ए बाबोस फ्रॉम हंगरी। ठीक है, तो यानी रोहन बोपन्ना इंडिया के प्लेयर हैं, ये टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने मिक्स डबल में ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिक्स डबल्स में वो फाइनलिस्ट में सिलेक्ट हो गए थे, और उनके साथ साथ में थी बेबोस फ्रॉम हंगरी। ठीक है, तो बस ये याद रख लेना। अब अगली बात टेनिस से जो एसोसिएटेड है वो है महाराष्ट्र की जो वुमेन्स टीम है हॉकी की, उन्होंने नेशनल टेनिस चैंपियनशिप 2018 को जीत लिया है। ठीक है, तो ये याद रखना है, टेनिस से रिलेटेड है कि जो नेशन हमारे देश का नेशन का टेनिस चैंपियनशिप हुई थी 2018 वाली, वो छत्तीसगढ़ में हुई थी और उसको जीता किसने है, महाराष्ट्र की टीम ने। उसके अलावा ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था नेशनल टेनिस चैंपियनशिप 2018, और ये छत्तीसगढ़ में हुआ था। यहां पे महाराष्ट्र की जो वुमेन टीम थी उसने किसको हराया था, महाराष्ट्र की वुमेन टीम ने हराया था दिल्ली की जो एक ऋषिका सुंकारा है उनको हराया था। ठीक है, और दूसरा एक और सिंगल मैच हुआ था जिसमें रुजुता भोसले जो कि महाराष्ट्र से थी उन्होंने प्रेरा बामबारी को हराया था। ठीक है, तो इन दो के नाम याद रख लेना, एक याद रख लेना मिहिका यादव और दूसरा याद रख लेना ऋतुजा ऋतुजा भोसले। ठीक है, ये दोनों टेनिस से ही एसोसिएटेड है, महाराष्ट्र की प्लेयर हैं जिन्होंने ऑल इंडिया टेनिस चैंपियनशिप 2018 को जीता है। ऑल इंडिया टेनिस चैंपियनशिप 2018 छत्तीसगढ़ में हुई थी। अब बात करते हैं बैडमिंटन से एसोसिएटेड, तो बैडमिंटन की अगर हम रैंकिंग की बात करें इंडियन प्लेयर्स में, तो पीवी सिंधु थर्ड नंबर पे आती है वुमेन सिंगल्स की टीम में। ठीक है, और इनकी सबसे ज्यादा बेस्ट रैंक रही है सेकंड। के श्रीनाथ की जो टॉप रैंकिंग है वो भी थर्ड है, और ये मेन सिंगल्स में, और इनकी बेस्ट पोजीशन फर्स्ट रही है। साइना नेहवाल की टॉप रैंकिंग 10 है और ये बेस्ट नंबर वन भी रही है, और प्रणॉय जो है मेन सिंगल में उनकी 10th रैंक है और बेस्ट इनकी 8 रही है। तो ये सारे बैडमिंटन प्लेयर हैं, पीवी सिंधु, श्रीकांत, साइना नेहवाल और प्रणॉय। ठीक है, बैडमिंटन में और बात की जाए, अगर हम बात करें बैडमिंटन की वर्ल्ड रैंकिंग की, तो मेन सिंगल्स की आप देख सकते हो, लिस्ट पढ़ सकते हो, इसके ऊपर अगर शायद ही क्वेश्चन आए। ठीक है, बस मेन मुख्यतः जो बात याद रखनी है, जो इंटरनेशनल रैंकिंग है मेन सिंगल्स की, तो उसमें इंडियन बैडमिंटन स्टार इन मेन सिंगल्स श्रीकांत किदाम्बी जो है वो 9 आए हैं ग्लोबली, और उसके अलावा समीर वर्मा 17th रैंक। तो ये पूछा जा सकता है कि जो श्रीकांत किदाम्बी हैं उनकी वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं, तो याद रखना बैडमिंटन, और इनकी बेस्ट रैंक रही है 9। सिमिलरली समीर वर्मा की बेस्ट रैंक रही है 17। आगे चलते हैं, अगर वर्ल्ड रैंकिंग में वुमेन्स की बात की जाए, तो इंडियन वुमेन्स में जो पीवी सिंधु है उनकी 3rd रैंक और साइना नेहवाल की 9th रैंक। ठीक है, किसी और टाइम पे जैसे पीवी सिंधु तो यहां पे आपको दिखी रही है और साइना नेहवाल ये रही। अब बात करते हैं हम लोग कि क्या कहते हैं बैडमिंटन में जो वर्ल्ड अगर टीम्स की बात जो रैंकिंग होती है, तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 9th वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा। जो अगर टीम्स की वर्ल्ड टीम की अगर रैंक करो तो पहले नंबर पे है जापान और हम लोग आते हैं 9वें नंबर पे। इंडिया की जो बैडमिंटन टीम है उसका नंबर है 9। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं बैडमिंटन में जो समर ओलंपिक्स हुए थे उसमें कौन क्या विनर रहे। ठीक है, स्पेशली 2016 और 2012 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो 2016 में मेन सिंगल के जो प्लेयर थे वो ये आप देख सकते हो, श्रीकांत किदाम्बी जो है वो क्वार्टर फाइनल्स तक गए थे। वुमेन सिंगल में पीवी सिंधु जो है और साइना नेहवाल ये ग्रुप स्टेज में बाहर हो गई थी। मेन्स डबल की बात करें तो मनु अत्री एंड सुमित रेड्डी ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए थे। ज्वाला गुट्टा और अश्वनी बोपन्ना ये ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गए थे।
ठीक है, तो 2016 के मेनली आप याद कर लो, बाकी तो 2012 के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं बैडमिंटन में क्या होता है। जैसे क्रिकेट में आईपीएल होता है, वैसे ही बैडमिंटन में पीबीएल होता है, प्रीमियर बैडमिंटन लीग। ठीक है, ये 2013 से शुरू हुआ था, इसको बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है। टोटल टीम 8 है इसमें। अगर मोस्ट रिसेंट चैंपियन की बात करें तो हैदराबाद हंटर्स हैं, हैदराबाद हंटर्स, ठीक है, हैदराबाद हंटर्स हैं। और सबसे ज्यादा टाइटल्स अगर किसी ने लिए हैं तो हैदराबाद हंटर्स, हैदराबाद हॉटशॉट और दिल्ली डैशर्स एंड चेन्नई स्मैशर्स, सब लोग एक एक बार ही जीते हैं। ठीक है, 2013 से तो शुरू ही हुई है ये, 2017-18 वाला लेटेस्ट एडिशन था जिसको हैदराबाद हंटर्स ने जीता था, याद रखना। आगे बात करते हैं हॉकी की। 2018 में जो वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, 2018 में वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था और उसको जीता था किसने, नेदरलैंड ने, नेदरलैंड ने आयरलैंड को हराया था, याद रखना। 2018 वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था जो होस्ट किया गया था इंग्लैंड के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा। टोटल 16 टीम ने पार्टिसिपेट किया था और चैंपियन नेदरलैंड रही थी। वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप में नेदरलैंड का ये 8वां टाइटल है, 8 बार नेदरलैंड जीत चुकी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको अच्छे से, तो प्लीज और प्लीज याद रखना कि जो हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था 2018 में वुमेन्स वाला, उसमें नेदरलैंड विनर रही है और उन्होंने आयरलैंड को हराया है। ठीक है, अब हॉकी में एक कप होता है जिसको बोलते हैं सुल्तान अजलन शाह कप, सुल्तान अजलन शाह कप। 2018 में इसको होस्ट किया था मलेशिया ने और इसमें टोटल 6 टीम ने पार्टिसिपेट किया था। इस बार चैंपियन ऑस्ट्रेलिया रही है, चैंपियन ऑस्ट्रेलिया रही है और ऑस्ट्रेलिया ने हराया था इंग्लैंड को। ठीक है, तो याद रखना हॉकी का से एसोसिएटेड है सुल्तान अजलन शाह कप, इसमें 6 टीम ने पार्टिसिपेट किया था और होस्ट हुई थी ये मलेशिया में, क्लियर है। अब बात करते हैं हॉकी से ही एसोसिएटेड एक और क्या हुआ था, 8th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस चैंपियनशिप हुई थी 2018 में। 8th हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप हुई थी 2018 में और इसमें अगर हम बात करें तो कौन विनर रहा था, अगर उसकी हम लोग बात करते हैं तो देखिए इसके विनर कौन रहे थे, हॉकी पंजाब, हॉकी पंजाब जीती थी, पंजाब की जो हॉकी टीम है वो जीती थी नेशनल चैंपियनशिप 2018, जो कि 8th राउंड था हॉकी इंडियन सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप, ये इसका टोटल नाम है। ठीक है, तो बस याद रखना हॉकी पंजाब इसको जीती थी, बाकी डिटेल दी हुई है तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। 2018 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप भी हुआ था और ये जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था इसमें इसमें जो विनर रही थी टीम वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा हॉकी मेंस हॉकी के जो टाइटल हैं वर्ल्ड कप के वो पाकिस्तान के नाम पे हैं, पाकिस्तान इसको 4 बार जीत चुकी है। ठीक है, 4 बार जीत चुकी है। तो 2018 वाला हॉकी वर्ल्ड कप जो है ये क्या कहते हैं इसको, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और ये हुआ कहां पे था, इंडिया में हुआ था, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप इंडिया में हुई थी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं F1 रेस के। F1 रेस जो होती है उसके अलग अलग ग्रांड प्रिक्स होते रहते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स, बहरीन ग्रांड प्रिक्स, अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स, मोनाको, स्पेनिश, कैनेडियन, फ्रेंच, ब्रिटिश, जर्मन एंड हंगेरियन। तो आप यहां पे इनके विनर्स देख सकते हो, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स को जीता था 2018 में एस बैटल ने, बहरीन बाली को जीता था एस बैटल ने, अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स को जीता था एल हैमिल्टन ने, मोनेको ग्रांड प्रिक्स को जीता था डी रिकार्डो ने, स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स को जीता था एल हैमिल्टन ने, कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स को जीता था एस वेटल ने, फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स को जीता था एल हैमिल्टन ने, उसके बाद ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स को जीता था एस वेटल ने, उसके बाद हंगेरियन और जर्मन दोनों एल हैमिल्टन ने ही जीते हैं। ठीक है, तो एक बार बस नजर मार लेना, हो सकता है वैसे इसके ऊपर क्वेश्चन कम ही आते हैं पर फिर भी हम सेफ साइड चलते हुए इसको हम कवर कर रहे हैं, और एक और बार देख लेना तो आप वहां पे गैस कर पाओगे। ये जैसे देखिए चाइनीज ग्रांड प्रिक्स भी होती है, ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स भी होती है, तो इनके पास आप विनर देख लीजिए डी रिकार्डियो एंड एम वेरस्टैपेन। ठीक है, अब बात करते हैं टूर डे फ्रांस। टूर डे फ्रांस एक ये एक तरीके से क्या है, एक साइकिलिंग इवेंट होता है, एक साइकिलिंग इवेंट होता है। तो ये टूर डे फ्रांस जो है इसको अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ये रोड वाला डिसिप्लिन है, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करते हैं इसकी फर्स्ट एडिशन के विनर, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट विनर थे इसकी मॉरिस गैरिन, और अभी जब रिसेंट में कौन जीता था, जेरेन जेराइन जेराइन थॉमस, जेराइन थॉमस, टूर डे फ्रांस के विनर। ठीक है, तो टूर डे फ्रांस जो होता है एक तरीके से साइकिलिंग इवेंट है, इसमें साइकिल वगैरह चलाते हैं लोग बाग, तो इसमें जेराइन थॉमस लेटेस्ट विनर है इसके और ये फ्रांस में ही कंडक्ट होता है, फ्रांस और फ्रांस की नियर बाई जगहों पे, तो बस इतना ही जानना इसको काफी है।
अब बात करते हैं कबड्डी से एसोसिएटेड। 2018 में दुबई कबड्डी मास्टर्स का ये आयोजन हुआ था, जिसका विनर इंडिया रहा था। कौन रहा था विनर? इंडिया। टोटल 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, होस्ट किया था इसको, जो दुबई वाला जो ये कबड्डी मास्टर्स हुआ था, यूएई में हुआ था ये, ठीक है। इसके चैंपियन कौन रहे थे? इंडिया चैंपियन रहा था, फर्स्ट रनर अप ईरान रहा था। टोटल 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था कबड्डी के इस महायोजन में, ठीक है। आगे चलते हैं, एथलेटिक्स की बात करते हैं। 2018 में वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप हुई थी एथलेटिक्स की, ठीक है। 2018 में एक तरीके से समझ लो एथलेटिक का वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड कप हुआ था। इसमें टोटल क्या कहते हैं, 1462 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था और 156+2 टीम्स नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। 2018 का अंडर 20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जो है वो कहां पे हुआ था? फिनलैंड में हुआ था। याद रखना कहां पे हुआ था? फिनलैंड में। तो याद रखना जो एथलेटिक का वर्ल्ड कप हुआ है वो कहां पे हुआ है? फिनलैंड में हुआ है। अब अगर इसकी एसोसिएटेड बात की जाए तो इसमें हिमा दास जो है, हिमा दास इंडिया के लिए पहली, मतलब इंडिया के लिए इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इन दी जो ट्रैक इवेंट में। ये आप देख सकते हो, हिमा दास का फोटो है। तो ये अंडर 20 की जो वर्ल्ड कप चैंपियनशिप चल रही थी उसमें दौड़ में इन्होंने क्या किया है? गोल्ड मेडल जीता था 400 मीटर रेस में, ठीक है। तो हिमा दास किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? एथलेटिक से। और इन्होंने एथलेटिक के वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता था। अब बात करते हैं 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स की। 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं। इसको होस्ट किया गया था गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड के द्वारा, ठीक है, गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड के द्वारा, ठीक है। ये कहां पे है? गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में है। तो यानी एक तरीके से 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पे आयोजित हुए थे? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए थे। टोटल 71 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। और अगर इसकी हम बात की जाए तो देखिए इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये कहाँ पे ओपन हुआ था, इसकी सेरेमनी वगैरह कहाँ पे हुई थी और ये सारी चीजें, ठीक है। तो मेनली अभी आपको क्या याद रखना है, 21वें जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो कहाँ पे हुए थे? तो ऑस्ट्रेलिया में हुए थे और टोटल 71 कॉमनवेल्थ नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया की स्टेटस के बारे में देखें तो 2018 में हुए 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया टोटल 66 मेडल जीती है। कितने? 66 मेडल, 26 गोल्ड मेडल, 20 सिल्वर मेडल और 20 ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो बस इतना सा आपको याद रखना है। उसके अलावा रेसलिंग से अगर हम बात करें तो रेसलिंग में प्रो रेसलिंग लीग होता है, जैसे आईपीएल वगैरह होते हैं ना, तो ऐसे ही रेसलिंग के लिए प्रो रेसलिंग लीग होती है। इसमें टोटल 6 टीमें हैं और इंडिया में होती है। और इसमें अगर हम बात करें अभी कौन जीता है तो एनसीआर पंजाब रॉयल्स जीती है, एनसीआर पंजाब रॉयल्स, ठीक है, एनसीआर पंजाब रॉयल्स जीती है। जो रेसलिंग की लीग का मैच हुआ था उसमें एनसीआर पंजाब रॉयल्स जीती थी। तो दोस्तों इसी के साथ सारी ट्रॉफीज और उनके विनर्स कौन रहे हैं वो हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपने इस लेक्चर से काफी कुछ सीखा होगा। अगर आपको कोई डाउट आए, कोई क्वेरी आए तो आप मुझे इस ईमेल आईडी या इस नंबर पे फोन करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आप प्राइवेट वीडियो वगैरह का एक्सेस लेना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और एक एडवाइस, प्लीज मॉक टेस्ट पेपर को प्रैक्टिस करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद अनदर ऑसम टॉपिक एंड ऑसम लेक्चर। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। 10 बिदानिया।